99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। इन्होंने पूरी राजनीतिक प्रक्रिया दी, मनोज तिवारी ब्रांड वैल्यू, आपकी ब्रांड वैल्यू है। मेरी फोटो यूज की है ना, और सारी फोटो यूज की आपकी हीरोइनों के साथ वाली। मैं आर्टिस्ट था ना। भारतीय राजनीति में हर भारतवासी को हक होता है चुनाव लड़ने का, पर कई बार कुछ सेलिब्रिटी भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी टैलेंटेड एक्टर मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से चुनाव के लिए खड़े हुए थे। आज हम उनके कुछ वीडियोस की बात करेंगे जब दूसरों के सवालों ने उनको परेशान किया हो। द ललन टॉप पर दिल्ली चुनावों से पहले बीजेपी नेता और एक्टर मनोज तिवारी का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में एंकर ने मनोज तिवारी से नोटबंदी को लेकर कुछ सवाल किए। अपने जवाब में मनोज तिवारी ने बताया कि नोटबंदी से आतंकवाद को चोट लगी है। देखिए ये इंटरव्यू। आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8% एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो 57 लाख करोड़ की है, उसमें 0.2% सोचिए तो कितना बड़ी बात है। बहुत बड़ी रकम है। तो आतंकवाद को चोट पहुंची नोटबंदी से। आतंकवाद को चोट ऐसी पहुंची कि जो पत्थर फेंकते थे वही जाके पंचायती चुनाव में वोट देने लगे। इंडिया टीवी पर 2019 के चुनावों पर एक डिबेट में कांग्रेसी नेता ने बीजेपी की आलोचना करनी शुरू की, तब मनोज तिवारी इस पर नाराज हो गए और डिबेट ही छोड़कर चले गए। किसको नहीं पता है कि कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबको पता है। जिस कांग्रेस की वहां सरकार थी उसको कर्नाटक ने से निकाल के बाहर कर दिया, हट जाओ। इन्होंने आते ही जैसा आरएसएस का दशानंद चेहरा है दशमुख, अरे नैतिकता की बात है, तो मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। अब ये पूरी व्याख्यान भाषा यही है, राजनीतिक भाषा यही है। मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। इन्होंने कहा हम उस गांव से हैं जहां 4 घंटे की बिजली के लिए मुझे गांव से शहर में जाना पड़ा है इस कांग्रेस के कारण। ये गांव से आए हैं, हम भी गांव से आए हैं। थैंक यू। और जिस बिजली की बात ये कर रहे हैं, बीजेपी वाले नहीं है तो मैं क्या बैठूं? अपनी निंदा नहीं सुन सकती बीजेपी, कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त है। न्यूज 18 पर नेताजी लपेटे में शो में मनोज तिवारी एज गेस्ट आए, तभी वहाँ मौजूद कवि ने उनके पुराने बयानों को सुनाया जिसमें वे बीजेपी की आलोचना कर रहे थे। पहले उन्होंने इनसे इनकार किया पर बाद में वे मान गए। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ, आपका एक बयान मैंने सुना कल, मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया, ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए, यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं, कहाँ दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास, वीडियो दिखाई। गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है, पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश। हाँ, TV9 भारतवर्ष पर मनोज तिवारी का इंटरव्यू हुई। इस इंटरव्यू में पत्रकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा मनोज तिवारी के नाम का उपयोग करने पर सवाल किए, जिस पर मनोज तिवारी ने मजेदार उत्तर दिए, आप भी देखिए। 500 करोड़ का मुकदमा करने जा रहे हैं, उनके ऊपर खबर आई है। 500 करोड़ तो उनको देना ही पड़ेगा। 500 करोड़ क्या करेंगे उस 500 करोड़ का अगर आप जीतेंगे तो? दैट इज मनोज तिवारी ब्रांड वैल्यू, आपकी ब्रांड वैल्यू है। मेरी फोटो यूज की है ना, और सारी फोटो यूज की आपकी हीरोइनों के साथ वाली। जो भी भाई, मेरा तो मैं आर्टिस्ट था ना, मैं कोई कमीशन खोर चोर थोड़ी था। कमीशन खोर चोर और आर्टिस्ट, ये दो तुलना कहां से आ गई मनोज भाई? अरे अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज हवाला कारोबार का केस है, ये हमारे में तो
शाम तक कहते रह जाऊंगा। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप संस्कृत की बात करते हैं, आप श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन उधर से बार बार आपको ये कहा जाता है कि मनोज तिवारी इज नॉन सीरियस भोजपुरी एक्टर, और ये देखिए उनके ये हीरोइन के साथ मनोज तिवारी, ये रिक्शे पे मनोज तिवारी। यही तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। हाँ, उनकी बौखलाहट इतनी क्यों है, मनोज तिवारी को इतना वो सर्च क्यों कर रहे हैं। ये थे मनोज तिवारी जी, की काफी टैलेंटेड है और बीजेपी की तरफ से चुनावों के लिए खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।